Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें Academy पे follow कर सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुबह 9 बजे अपनी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की क्लासेज होती है, जो आपके लिए एएलपी सीबीटी 2 के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है ना. तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था अपना कौन सा चल रहा था, हीट एंड टेम्परेचर चल रहा था. कल मैंने स्टार्ट करवाया था, तो आज उसी के कंटिन्यूशन में चलते हैं. और आज या फिर कल तो इसका ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो ही जाएगा. तो पूरा कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, और फिर उसके बाद में मास, वेट, डेंसिटी, जो भी आप बोलेंगे वो स्टार्ट करवा देंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी, पहले तो मुझे बता दीजिए. कल की क्लास में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए. गुड मॉर्निंग. ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट करे क्लासेस स्टार्ट करते हैं. कल हम लोग बात कर चुके थे लास्ट में, हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, हीट कितनी तरह की होती है. सेंसिबल हीट होती है, एक लेटेंट हीट होती है. लेटेंट हीट को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, है ना फ्रेंड्स. इसके बाद में हम लोगों ने थर्मोमीटर पढ़ा था. थर्मोमीटर के भी अलग अलग तरह देखे थे. गैस थर्मोमीटर होता है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे काम में आता है. इसके बाद में पारा थर्मोमीटर होता है, यानी मरकरी थर्मोमीटर. इसके बाद में एल्कोहल थर्मोमीटर होता है. और पायरोमीटर मैंने आपको बताया था, जो भट्टियों का टेम्परेचर, जो भट्टियों का तापमान, बहुत ज़्यादा जो तापमान होता है उसको मेजर करने में काम आता है. तो आगे चलते हैं दोस्तों. कल मैंने आपको बताया था कि जो मरकरी होता है, जो पारा होता है, जो डॉक्टर थर्मोमीटर होता है ना, उसमें जो फ्लूड यूज होता है अंदर, वो कौन सा होता है, मरकरी होता है, पारा होता है. तो बात करता हूं उसकी, ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें ऐसी क्या विशेषता है जो उसको यूज किया जाता है ना. तो हेडिंग डाल लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मरकरी. आप बताते रहिए ना कौन कौन सी इसकी विशेषता है, फिर मैं लिखता रहूंगा. पारे की विशेषता है, ठीक है, पारे की विशेषता है. तो पहली क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, पहली क्या इसकी विशेषता है, देखो. सबसे पहले दोस्तों क्या है, सबसे कि इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास, यह कांच के चिपकता नहीं है. आप बोलेंगे सो इससे क्या, इसकी ये क्या विशेषता है. देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल अपनी बॉडी में टेम्परेचर मेजर करने के लिए जब डॉक्टर हमारे मुंह में थर्मोमीटर लगाता है, तो यदि जो मरकरी है अगर वो ग्लास के चिपक जाएगा, जो कांच के चिपक जाए, तो वो आगे मूव कर पाएगा क्या, आगे चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा. तो आगे वो चल नहीं पाएगा, तो टेम्परेचर हम मेजर नहीं कर पाएंगे. तो उसकी खास बात है ये पानी के, इसके जो ग्लास होता है कांच के चिपकता नहीं है. तो लिख देता हूँ मैं, इट does not stick to glass. यह कांच के चिपकता नहीं है. दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है दोस्तों, जल्दी से बताइए, इसमें से जल्दी से बताइए. अब देखो मैं एक चीज, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ, लेकिन चीज़ें एक ही में लिख देंगे, हिंदी में लिख देंगे, इंग्लिश में बोल दूंगा, है ना. क्योंकि बार बार दोनों चीज़ें लिखेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा अपने पास. ज़्यादा जो अपन को एम्फेसाइज करना है, ज़्यादा फोकस करना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पर करना है, ना कि लैंग्वेज पर. तो दोनों चीज़ें बोल रहा हूँ, बाईलैंग्वल कोई दिक्कत की बात आपको नहीं है. यह कांच के चिपकता नहीं है. दूसरी विशेषता क्या है दोस्तों, कि कांच में से इजीली दिख जाता है, कांच में से हम लोग इसको आराम से देख सकते हैं. अगर इसको कांच में से देख ही नहीं पाते, तो ये किसी काम का रहता है क्या भैया. मान लो फॉर एग्जांपल ये आपके पास ग्लास की ट्यूब है, जो थर्मोमीटर किसकी ट्यूब होती है, ग्लास की होती है. इसके अंदर जो मरकरी मूव कर रहा है, जो पारा है इधर से उधर जा रहा है, लेकिन हम लोग देख ही नहीं पा रहे, तो कोई मतलब का है क्या, नहीं है. तो लेकिन इसको आराम से देख सकते हैं, इसको इसके यूज करते हैं. तो इसकी जो दूसरी विशेषता है क्या है, इसको यह आसानी से कांच में दिख
जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरी इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तीसरी जो इसकी विशेषता है क्या है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो करंट होती है, उसका क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब कि जो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, क्योंकि जैसे दोस्तों जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा वो इजीली इसको अडेप्ट कर लेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो इसकी एक विशेषता है यह है विद्युत का सुचालक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा ये इजीली अडॉप्ट कर लेगा, है ना दोस्तों। और बात करते हैं इसकी अगली विशेषता, बताइए इसकी और क्या विशेषता है, जल्दी से बताइए, है ना। हाँ, इसकी एक विशेषता, बहुत अच्छी विशेषता ये है दोस्तों कि जो इसकी टेम्परेचर मेजरिंग रेंज होती है, जो तापमान मापन की जो इसकी रेंज होती है, परास होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छी होती है। -39 से, कल मैंने बताया था 357 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कल बताया था नहीं बताया था, तो -39 से 357, ठीक है। इसके ऊपर क्यों नहीं मेजर कर सकता, इसके नीचे क्यों नहीं मेजर कर सकता दोस्तों, क्योंकि जो पारा होता है, जो मरकरी होता है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जिस पे जम जाता है, जमाव बिंदु जो होता है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके नीचे वो जम जाता है, तो वो जम जाएगा तो मूव ही नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या मतलब। ठीक है, तो इसकी ये रेंज है, इस रेंज तक का जो टेम्परेचर है वो मेजर कर सकता है। इससे ऊपर में क्या है दोस्तों, ये इसका उबाल बिंदु है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है इसका, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर इससे ऊपर हुआ तो मरकरी इवेपोरेट हो जाएगा, मरकरी उबलना स्टार्ट हो जाएगा और गायब हो जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा, तो वो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, तो टेम्परेचर मेजर में इजी नहीं रहेगा। क्लियर, तो इसकी रेंज है, तो मरकरी को जो भी यूज करते हैं, इतनी सी बात हो चुकी है, आगे चलते हैं, कुछ इसमें खास बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं एक और चीज, क्या करते हैं, कल हम लोगों ने हीट देखी थी, तो हेडिंग डाल लीजिए, हीट किस तरह से ट्रांसफर हो सकती है, उसके क्या क्या मोड रहते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। आप सभी जानते हैं, जल्दी से बताइए कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इसके मोड रहते हैं, किस किस तरह से जो हीट का ट्रांसफर हो सकता है। पहला, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, कौन कौन सा होता है, कंडक्शन बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चालन। दूसरा होता है कन्वेक्शन, क्या डिफरेंस होता है दोस्तों बताइए, कन्वेक्शन इसको हिंदी में बोलते हैं संवहन, चालन और ये संवहन। एक होता है रेडिएशन, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विकिरण। देखिए तीनों को में मतलब देखते हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों में डिफरेंस क्या है, कैसे तीनों एक दूसरे से अलग है और कैसे तीनों से हीट ट्रांसफर हो रही है देखते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल, वैसे आप सभी जानते हैं कंडक्शन में क्या होता है, जो चालन में होता है जो हीट ट्रांसफर, देखो एक चीज मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल ये चाय का कप है, ये एक चाय का कप है, इसमें जो चाय रखी है ऑब्वियसली हॉट टी होगी, गर्म चाय होगी, इसका तापमान ज्यादा होगा बाहर के तापमान से, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारी बॉडी का तापमान है उससे इसका ज्यादा है। तो दोस्तों जब हम हाथ लगाएंगे, जब हम इसको टच करेंगे, ये क्या है, गर्म है, ये क्या है, बिल्कुल गर्म है, ये क्या है, गर्म है, ऐसे गर्म है, ठीक है, ये चाय का। तो जब हम इसको हाथ लगाएंगे, इसको टच करेंगे दोस्तों, तो क्या होता है, हमको हाथ में गर्मी लगती ना, तो गर्मी का कारण क्या है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ जो क्या होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है, तो इससे ऊष्मा अपने में आएगी और अपने हाथ में क्या लगेगी, गर्मी लगेगी, ठीक है, जब भी तो अपन हाथ हटा लेते हैं। तो दोस्तों यही बोल रहा हूं, तो ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है कौन सा होता है, कंडक्शन होता है। कंडक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, मेरे हाथ का या फिर आपके हाथ का इस चाय के कप से कॉन्टैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, स्पर्श हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसमें जो कंडक्शन में होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सीधा स्पर्श, इसको हिंदी में बोलते हैं सीधा स्पर्श, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या सीधा स्पर्श। बात करते हैं दोस्तों, अभी और बताऊंगा, तो एक एक पॉइंट लिख रहा हूं, अभी डायग्राम से और बता दूंगा दोस्तों। संवहन होता है, जो कन्वेक्शन होता है वो किस वजह से होता है, ये तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से होता है, ये तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से होता है, जो कन्वेक्शन होता है, जो संवहन होता है वो किसकी वजह से होता है दोस्तों, वो मोशन होता है, किसी मैटर होता है ना पदार्थ, उसके मोशन के कारण, उसकी गति के कारण होता है मोड ट्रांसफर। जो हीट ट्रांसफर होता है किसी भी कोई पदार्थ है उसकी गति के कारण होता है, अगर कोई पदार्थ मूव करेगा, गति करेगा, उसके कारण होता है, ठीक है। कैसे करेगा अभी बताऊंगा, पहले पॉइंट लिख देता हूं, ये क्या है, ड्यू टू
ड्यू टू मोशन ऑफ मैटर, या फिर हिंदी में क्या लिख सकते हैं, पदार्थ की मूवमेंट के दौरान। मूवमेंट को आप क्या बोल सकते हैं, गति बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, पदार्थ की गति के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं रेडिएशन, जो ये कैसा हीट मोड ट्रांसफर है, इसमें कैसे मिलती है, जो आपको मिलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको क्या मिलता है, इसमें हीट ट्रांसफर। तो सारी चीजें मैं बताता हूँ क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सी बॉडी से निकल सकती है, क्या सभी बॉडी से निकल सकती है, तो क्या जो तीनों मोड ट्रांसफर कैसे डिफरेंट है, सब मैं चीजें आपको बता दूंगा। पहले इसमें लिख दीजिए ड्यू टू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, बताते हैं एक डायग्राम से, बताइए यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा, वायुमंडल का गर्म होना विकिरण विधि के द्वारा, ओके, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, देखते हैं, समझते हैं कैसा मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है, हो कैसे रहा है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक सिंपल से एक डायग्राम से समझते हैं, जो डायग्राम आपने बचपन में बहुत बार पढ़ा है, ये डायग्राम देखिए आराम से, इसी में हम लोग समझेंगे। देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, लेट सपोज नीचे कुछ भी आग जल रही है, कुछ भी ऐसे कॉइल लग रही है, है ना। अब इसमें से क्या दोस्तों, हीट निकल रही है। अब हमारे पास कोई बीकर है, कुछ भी एक बर्तन है जिसमें मान लीजिए पानी हम लोग गर्म कर रहे हैं, और ये जो पकड़ रखा है, जो स्टैंड है, जैसे हम लोग पकड़ रखे हैं, जैसे कभी चाय वाय बनाते हैं अपन, तो कुछ पकड़ने का होता है ना, स्टैंड होता है, तो वो आपको दिख रहा है। अब इसमें तीनों तरीके के जो हीट ट्रांसफर मोड है, उसमें तीनों हम लोग पता पड़ जाएगा, तीनों डिस्कस कर लेंगे कैसे कर लेंगे। देखो ध्यान से समझो दोस्तों, कंडक्शन कैसे हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ये जब ये आपके पास बीकर है, ये किसी ना किसी मेटल बॉडी का होगा, तो ये गर्म होगा, इसके कॉन्टेक्ट में क्या है दोस्तों, ये आपके पास रॉड है, रॉड पकड़ने की, तो ये गर्म होगी, आपको रेड दिख रही है, रेड गर्म हो रही है, तो ये गर्म हो रही है, और यदि हम लोग इसको हाथ से पकड़ेंगे तो हमारे हाथ में हीट होगी, और ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दोस्तों क्या है, कंडक्शन है। ठीक है, ये जो बीकर से इसमें रॉड में आ रहा है, क्या है दोस्तों, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, ये जो रॉड में किस वजह से आ रहा है, कंडक्शन की वजह से आ रहा है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जो कुकर वगैरह होता है उसमें क्या होता है, प्लास्टिक का लगा रहता है ना, प्लास्टिक का, जिससे क्यों, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होता है, मतलब वो ट्रांसफर नहीं करता, इसलिए हमको गर्म लगता है। इसलिए जो आपके प्रेशर कुकर हो, चाय का बनाने का जो तबला वबला जो भी बोलो आप, उसमें क्या आता है, ऐसे प्लास्टिक का कुछ आता है। बात करते हैं दोस्तों, सर कंडक्शन तो हम जानते हैं, कन्वेक्शन कैसे हुआ, कैसे मोशन ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, मोशन ऑफ पार्टिकल कैसे हो रहा है, तो दोस्तों समझते हैं, सब भूल जाइए, आग लग रही है, कुछ भी भूल जाइए, कुछ भी नीचे कुछ भी नहीं है। इसमें मान लीजिए दोस्तों आपके पास पानी भरा हुआ है, एक सिंपल से लेमन समझो, इसमें भरा हुआ है पानी, पानी के पार्टिकल्स नीचे भी है, ऊपर भी है, तो होगा क्या दोस्तों, जो नीचे वाले पार्टिकल होंगे तो उसमें क्या होंगे दोस्तों, इसका जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ध्यान से समझ लेना, जो नीचे वाले कण होंगे जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब उनका तापमान बढ़ेगा तो डेंसिटी, जो घनत्व होता है दोस्तों, कम हो जाता है। जो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जो घनत्व हो जाता है कम हो जाता है। अगर इनकी दोस्तों डेंसिटी कम हुई तो क्या, कहाँ भागेंगे, ऊपर भागेंगे, क्यों, इनकी डेंसिटी हल्की है, ये ऊपर भागेंगे, और भारी वाले दोस्तों नीचे आएंगे, तो इनकी डेंसिटी है दोस्तों ऊपर भागेंगे, तो ये हो गए ऊपर, जो गर्म वाले हो गए ऊपर, भारी वाले आ जाएंगे नीचे। अब क्या होगा दोस्तों, वो जो भारी वाले नीचे आ गए, जो अभी ठंडे थे वापस क्या होंगे, वो भी हीटअप होंगे, वो भी गर्म होंगे, उनकी भी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, अब वो वापस ऊपर जाएंगे, तो ऐसा एक सर्कुलेशन होता रहेगा। ऐसा क्या होता रहेगा दोस्तों, एक मोशन होता रह जाएगा, और इसी कारण जो हीट ट्रांसफर हो रहा है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन, उसी को क्या बोलेंगे, संवहन। कैसे मोशन हो रहा है, ये चीज आपको समझ में आई, बताइए जल्दी से, थम्स अप करिए। ठीक है, क्लियर दोस्त, ये चीजें क्लियर। तो कन्वेक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, ये चीज हम लोग बता चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल जब सर्दियों में हम लोग हाथ तपते हैं ऐसे, तो वो क्या है, वो चीज क्या है, जल्दी से बताइए। क्योंकि देखो कोई भी बॉडी है वो अपने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेगी। कब तक निकालेगी, कौन सी बॉडी नहीं निकाल सकती, ये भी मैं बताऊंगा। जब उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, तो यदि हम लोग हाथ रखेंगे, ये भी आपने देखा होगा, जब हम लोग चाय बना रहे होंगे थोड़ा सा हाथ रखोगे तो आपके हाथों पर भी कुछ गर्मी आएगी। क्यों, कारण क्या है, उसके दो कारण है। यदि आपने इधर हाथ रखा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालती है, और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वो बॉडी उतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेगी, और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके हाथ पे आके टच करती है तो आपको गर्मी का एहसास होगा। और इस मोड के जो ये ट्रांसफर है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दोस्तों क्या है, ये क्या है,
रेडिएशन है, रेडिएशन है। जैसे सूरज से जो हमारे पास आ रही है वो क्या है, आपको सूरज से गर्मी क्यों लग रही है, कहीं आप सूरज को जाके हाथ तोड़ी लगा रहे हो, सूरज को जाके दोस्तों हाथ तोड़ी लगा रहे हो, तो वो सूरज भी जो कर रहा है क्या कर रहा है, रेडिएशन एमिट कर रहा है, रेडिएशन निकाल रहा है, जो विकिरण है निकल रहा है। क्लियर? तो जस्ट सिंपल सी चीज थी, चले आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे चलते हैं। जो क्लास का पीडीएफ है दोस्तों क्लास के बाद मिल जाता है, वाइफिस्टडी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में क्लास के बाद मिल जाएगा। जो भी चीज मैं पढ़ रहा हूं अगर आप लिखो भी नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको मिल जाएगा। चलते हैं आगे। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अब उस पर आते हैं। कल जैसे एक स्टूडेंट पूछ रहा था ना कि दो मिक्सचर को मिलाएंगे सर उसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा, जो अंतिम तापमान क्या होगा, उस वाले क्वेश्चन को करवाओ। देखो वो क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, मतलब करवाऊंगा लेकिन आप खुद जवाब देंगे, इजीली हम लोग निकलेगा। तो कल हम लोग बात कर चुके थे दोस्तों कि जो हीट ट्रांसफर होता है क्या होता है, एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी, और एस क्या होता है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट होता है, विशिष्ट उष्मा होती है, और एस क्या होता है दोस्तों क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। अगर इसके यूनिट की बात करूँ, उसके मात्रक की बात करूँ, तो यदि क्यू आप किलो जूल में लो, ठीक है, यदि मास आप किलोग्राम में लो, टेम्परेचर डिफरेंस है चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लो, केल्विन में लो, बात बराबर है, मैंने केल्विन में लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये इसके मात्रक था, ठीक है दोस्त। अब ध्यान से समझो, चीज बिल्कुल बेसिक चीज है, बुक में एक चीज बिल्कुल गलत लिखी हुई है। अब मुझे नहीं पता, जैसे मैं बोलूंगा आप बोलोगे कि सर बुक को क्यों गलत बताता हूं। देखो आप जो हीट पढ़ रहे ना अभी लोग, हीट आप YouTube पे डालना, हीट ट्रांसफर बाय वाइफिस्टडी कुछ भी डालना, हीट एंड वर्क ट्रांसफर नीरज सर मेरा नाम लिख देना वाइफिस्टडी, तो जो हीट एंड वर्क मैंने पढ़ा रखा है उधर 7-8 घंटों का पढ़ा रखा है, वो गेट और आईएएस लेवल का है ना। तो उसमें मतलब ये नहीं कि वो गेट और आईएएस लेवल का तो वो डिफरेंट हो गया, लेकिन बुक्स में कई चीज इतनी गलत दे रखी है, मतलब पूरी थर्मोडायनेमिक्स से पलट के रख दी उन्होंने। कैसे पलट के रखी, अभी थोड़ी देर में आपको पता पड़ जाएगा, कॉन्सेप्ट अपने आप पता पड़ जाएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सिंपल सी चीज है। लेट सपोज ये कोई कंटेनर है, ये कोई एक कंटेनर है, आराम से समझना, ठीक है। इसमें आपके पास वही सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पानी रखा हुआ है, ठीक है, पानी रखा हुआ है, और एक और कंटेनर है दोस्तों जिसमें भी पानी रखा हुआ है, उसमें भी क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, इसमें भी पानी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस कंटेनर को मैं नाम दे दिया नंबर वन, इस कंटेनर को मैंने नाम दे दिया नंबर टू, ठीक है। इसका जो इसमें जो पानी रखा हुआ है उसका द्रव्यमान लेट सपोज एम वन है, क्लियर, उसका जो मास है वो m1 है। लेट सपोज जो इसका टेम्परेचर है दोस्तों t1 है, इसका टेम्परेचर क्या है t1 है, मान लीजिए इसका जो तापमान है t1 है। सिमिलरली जो इस वाले पानी का, इस कंटेनर में जो पानी है उसका मास आप मान लीजिए m2, उसका द्रव्यमान क्या है m2 है, उसका जो टेम्परेचर है दोस्तों मान लीजिए t2 है ना। पानी है दोनों, लेट सपोज इसकी स्पेसिफिक हीट एस है, इसकी जो विशिष्ट उष्मा है वो एस है दोस्तों, इसकी विशिष्ट उष्मा एस है, तो इसकी भी एस ही होगी। कारण क्या, दोनों पानी पानी है, अलग थोड़ी एक पानी है एक पेट्रोल है, या फिर एक पानी है एक दूध है, दोनों मटेरियल सेम है, दोनों पदार्थ सेम है, तो उनकी जो विशिष्ट उष्मा होती है दोस्तों वो भी सेम रहती है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी दोस्तों एस रह जाएगी, है ना। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला कि लेट सपोज मानिए मानिए T1 is greater than T2, यदि यानी मान लीजिए कि T1 की मान ज्यादा है, जो इसका तापमान ज्यादा है इसका तापमान कम है, ठीक है, इसका तापमान ज्यादा है इसका तापमान कम है, तो एक चीज इधर है ना। लेट सपोज T1 का टेम्परेचर ज्यादा है T2 का टेम्परेचर, मतलब इस वाले कंटेनर का टेम्परेचर ज्यादा है इसका कम है, तो आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अपनी राय दीजिए कि सर मैं इसके बारे में ये चीजें बोल सकता हूं कि हीट फ्लो होगा, हीट फ्लो नहीं होगा, कब तक हीट फ्लो होगा, क्या ओपिनियन है, एक बार कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप कमेंट करोगे आप भी सकोगे। बस एक लाइन बताऊंगा मैं, सारे उसी से निकलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का, जल्दी से बताइए। हाँ, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार है, प्रकाश डालिए। वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या है, 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन, मैं भी बता दूंगा, परेशान मत हो, जल्दी से बताइए।
दोस्तों मैंने कल भी बताया था कि जो हीट ट्रांसफर होता है, जो हीट ट्रांसफर होता है किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। यदि उनके तापमान में कोई अंतर ही नहीं आया, अरे भाई सूरज के तापमान और अपने तापमान में यदि कोई अंतर ही नहीं होगा तो अपन को कभी गर्मी लग सकती है क्या? अपन को गर्मी क्यों लग रही है? क्योंकि अपना टेम्परेचर कम है, जो सूरज का तापमान है वो ज्यादा है, तो वहां से जो हीट फ्लो होती है और हमको गर्मी लगती है। यदि अपना भी टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होता है तो अपन को गर्मी लगती है क्या दोस्तों? नहीं लगती। तो क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा, बहुत बढ़िया बात है। T1 ज्यादा है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसका टेम्परेचर, मान लीजिए लेट सपोज इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ध्यान से समझना, ये पूरे चैप्टर का सार है। सार क्या है दोस्तों? कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा? जो हीट होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे फ्लो होती है। तो हीट मान लीजिए हीट फ्लो हो रही है, हमको दिख रही है, लो हमने देख लिया हीट ऐसे फ्लो हो रही है, हीट इसमें जा रही है। अरे हाँ या ना बताओ, जाएगी नहीं जाएगी, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? तो दोस्तों जैसा कि इस पानी में से हीट निकलती जाएगी, इससे हीट ट्रांसफर होगी, क्या मैं बोल सकता हूँ इसका टेम्परेचर कम होता रहेगा? टेम्परेचर इसका कम होता रहेगा। जैसे भाई अपने पास चाय होती है, चाय का कप होता है, तो थोड़ी इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, थोड़ी देर बाद में आप आधे घंटे बाद देखोगे तो बिल्कुल ठंडी दिखेगी आपको। क्यों? क्योंकि इसमें से हीट का ट्रांसफर होता गया और इसका टेम्परेचर कम होता गया। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इसमें से यदि हीट का ट्रांसफर होता रहेगा तो इसका टेम्परेचर कम होगा या नहीं होगा, बताओ? होता रहेगा, कम होता रहेगा, सीधी बात है, अच्छी बात है। बात करते हैं दूसरे कंटेनर की, इसमें क्या होगा? पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जब इसमें हीट आती रहेगी तो क्या होगा दोस्तों? क्या इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा? जल्दी से बताओ, अरे हाँ या ना? आती रहेगी, बहुत बढ़िया। इसका टेम्परेचर कम होता रहेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। दोस्त मैं पूछ रहा हूँ, क्या जिंदगी भर हीट ट्रांसफर होता रहेगा इनके बीच में? क्या जिंदगी भर हीट ट्रांसफर होता रहेगा? नहीं। कब तक होता रहेगा? जब तक कि इनमें टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा। जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो हम लोग क्या देख रहे हैं? इसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है, इसका बढ़ता जा रहा है। तो किसी एक कंडीशन में मान लो इसका टेम्परेचर कम होता गया, इसका बढ़ता गया, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया। टेम्परेचर बराबर होते ही क्या कोई टेम्परेचर डिफरेंस रहा क्या? नहीं रहा। तो क्या हीट ट्रांसफर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो कब तक रहेगा? जब तक कि इनका टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस रहेगा। तो लेट सपोज दोस्तों मैंने क्या बोला, अब तीसरी बात क्या है? लेट सपोज इसका टेम्परेचर बढ़ के एक फाइनल टेम्परेचर आ गया TF, उसको मैंने नाम दे दिया फाइनल टेम्परेचर, हो गया अंतिम टेम्परेचर। इसका जो तापमान ना घट के 80 से घट 70 हुआ, 60 हुआ, जो भी हुआ, घट के मान लीजिए TF हो गया। और इसका टेम्परेचर भी मान लीजिए दोस्तों 10 से बढ़ के इसका हो गया TF। अब इसका भी टेम्परेचर TF हो गया, इसका भी टेम्परेचर TF हो गया। अरे अब कोई हीट ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सिर्फ इस पे बेस होते हैं कि दोस्तों अब मैंने पानी का लिया, अब चाहे दूध का लो, बस कॉन्सेप्ट ये रहेगा। कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या रहेगा, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट इतनी सी चीज रहेगी कि टेम्परेचर, जब तक टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा तब तक हीट ट्रांसफर होगा पहली चीज, जैसे ही टेम्परेचर बराबर हुए कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा दूसरी चीज, तीसरी चीज दोस्तों क्या है, जितनी हीट ये लॉस करेगा, बस ये लाइन पकड़ लो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी हीट ये लॉस करेगा दोस्तों उतनी हीट ये गेन करेगा, जितनी हीट उष्मा ये निकालेगा उतनी उष्मा इसको प्राप्त होगी, बस। ठीक है, कोई भी फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। बस मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, सारे में एक फॉर्मूला नहीं रटेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन लिखेंगे, बताइए वो इक्वेशन सही है दोस्त? अब सब भूल जाइए, बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? पहले यहां तक बता दो, आप यहां तक बताइए, आप जब तक T1 इजिकल टू T2 जाए, अरे T1 T2 कैसे हो सकते हैं बराबर? T1 तो चेंज होता रहेगा ना, T1 तो स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग टेम्परेचर है, तो स्टार्टिंग कंडीशन ली है, T1 कम होता रहेगा, T2 बढ़ता रहेगा। क्लियर? अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझो, मैंने जस्ट इतने से बोल दिया, बस एक ही क्वेश्चन है कि इसने जितनी हीट लॉस करी, इसने जितनी उष्मा निकाली उतनी उष्मा इसने प्राप्त करी। तो दोस्तों हीट का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इजिकल टू होता है m into s into delta t, होता है या नहीं होता? ठीक है, तो q = ms delta t, क्या ये हीट केवल लॉस करने के लिए, गेन करने के लिए सब जगह फॉर्मूला एप्लीकेबल है, सब जगह ये सूत्र लग सकता है? ठीक है दोस्तों, तो लेट सपोज पानी का टेम्परेचर पहले T2 था, पानी का टेम्परेचर T2 था, T2 से दोस्तों हो गया TF, हो गया T2 से बढ़ के TF हो गया,
T2 से बढ़ के TF हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूं, हीट गेन बाय 2, मतलब जो सेकंड वाला पानी है इसके द्वारा कितनी हीट प्राप्त गई दोस्तों, क्या फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एम टू एस टू, टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, पहले टी टू था, अब टी टू से कितना हो गया दोस्तों एफ हो गया, तो कितना हो गया टी एफ माइनस टी टू। बताओ ये बात सही है नहीं आई, बताओ बस इतनी सी बात है, ये बात समझ में आई नहीं आई, इतनी हीट इसको मिली। बात करते हैं ये हीट आई कहाँ से, तो उतनी ही हीट दोस्तों इसने रिजेक्ट करी है, तो वो उसने कितनी करी दोस्तों, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो एम टू एस टू टी एफ माइनस टी टू इज इक्वल्स टू एम वन एस वन। अब बात करते हैं भैया टेम्परेचर चेंज इसमें क्या लिखे है, कई बच्चे बोलेंगे टी वन माइनस टी एफ लिखो, कई बच्चे बोलेंगे टी एफ माइनस टी वन लिखो, कई बच्चे बोलेंगे डेल्टा टी लिखो, टी एफ माइनस टी वन की अंतिम माइनस प्रारंभिक। दोस्त बस इतनी सी बात ये समझनी है, ध्यान से समझना कि हम लोग क्या ले रहे हैं, केवल और केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, केवल और केवल परिमाण ले रहे हैं, ध्यान से समझना इजीली क्लियर हो जाएगी। मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, क्या माइनस बीस प्लस बीस के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, तो केवल हमको मैग्नीट्यूड से बराबर है कि इतने इतनी हीट जो सेकंड वाला पानी है उसने इतनी हीट क्या करी, गेन करी, इतनी हीट प्राप्त करी और इसने इतनी हीट लॉस करी, तो कितना अमाउंट का लॉस करा दोस्तों, एम वन एस वन टी वन माइनस टी एफ कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता है ऑब्वियसली। क्या मैं इधर बोल सकता हूं, ध्यान से समझना, क्या मैं बोल सकता हूं टी वन ज्यादा था टी एफ टी टू, क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं भाई, टी टू क्या था, जो फाइनल टेम्परेचर आएगा, जो भी फाइनल टेम्परेचर आएगा वो टी टू से ज्यादा होगा क्योंकि ऑब्वियसली इसने हीट गेन करी है, और जो फाइनल टेम्परेचर आएगा टी वन से कम होगा, क्यों, क्योंकि टी वन तो बहुत ज्यादा था फिर इसने लॉस कर करके कम हुआ है, तो जो फाइनल टेम्परेचर आएगा उसके बारे में ये चीज बोल सकता हूं। तो बस दोस्तों मैं ये लिख रहा हूं टी वन माइनस टी एफ, बस ये बता दो, ये इक्वेशन किसको समझ में नहीं आई, आ गई तो बता दो, बस ये, बस ये इक्वेशन और कुछ भी नहीं है, पूरा चैप्टर खत्म, बस जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ये इक्वेशन में कोई दिक्कत, ये इक्वेशन समझ में आ गई आपको, जल्दी से मुझे बताइए प्लीज, केवल और केवल ये इक्वेशन समझ में आई या नहीं आई, बस यही इक्वेशन का खेल है। अब मैं क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा मैं, जल्दी से बताओ। हृदय जी बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं वापस समझा दूंगा, जल्दी से बताओ। अच्छा वापिस बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है 80% बच्चों को आ गई, कोई बात नहीं वापिस समझ लो दोस्त, नया डायग्राम बनाता हूँ इसमें थोड़ा सा, वो क्या हो गया, ये हो गया, जल्दी जल्दी बताता हूँ मैं। मैंने बोला दोस्त लेट सपोज ये गर्म पानी है, आप ऐसे समझोगे ये क्या है, गर्म पानी है, ये क्या है गर्म पानी है, इसका मास मान लीजिए, इसका द्रव्यमान आपको एम वन दे रखा है, इसका तापमान आपको टी वन दे रखा है, और इसकी स्पेसिफिक हीट दोस्तों इसकी जो विशेष ऊष्मा दे रखी है एस दे रखी है। आपने क्या करा दोस्तों, ठंडे पानी से मिलाया, आपने क्या करा दोस्तों, ठंडे पानी से मिलाया, आपने क्या करा ठंडे पानी से मिलाया, ठंडे पानी से मिलाया, और ठंडे पानी का टेम्परेचर, इसका जो मास है द्रव्यमान मान लीजिए एम टू है, टेम्परेचर टी टू है, और जो विशेष ऊष्मा है दोस्तों मान लीजिए एस है, दोनों की विशेष ऊष्मा जो होगी सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि पानी तो पानी है ना, पानी चेंज थोड़ी हो रहा है, पानी की विशेष ऊष्मा कितनी रहती है, सेम रहती है, अलग अलग मटेरियल की विशेष ऊष्मा अलग अलग होती है, पहली बात ये। मैंने बोला पानी गर्म है, पानी गर्म, गर्म ठंडे का एहसास किससे होता है, टेम्परेचर से होता है, तो ऑब्वियसली पानी इसका टेम्परेचर ज्यादा है, टी वन का टेम्परेचर ज्यादा है, किससे टी टू से ज्यादा है, सिंपल सी बात। इसका तापमान ज्यादा है, इसका तापमान कम है, तो क्या होगा दोस्तों, इसमें से हीट लॉस होगा, हीट लॉस होगा, और जैसे जैसे दोस्तों ये हीट लॉस करेगा इसमें से हीट निकलती जाएगी। अरे भाई कभी आपने सर्दी में नहाने के लिए गर्म पानी रखा, थोड़ी देर बाद देखोगे तो वो ठंडा नहीं हो जाता, क्यों, पानी पहले हाथ डाल के देखोगे गर्म लगेगा बाद में ठंडा, क्यों, क्योंकि उसमें से हीट निकलती जा रही है, तो इसमें से दोस्तों हीट निकलती जा रही है, तो जो इसका टेम्परेचर है, जो इस वाले पानी का तापमान है दोस्तों क्या होता जाएगा, जो टी वन का मान है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है, और टी टू का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, जो तापमान है ये हीट गेन करता जा रहा है, तो ये क्या होता जाएगा दोस्तों, गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। तो मैंने बोला इन दोनों के बीच में कब तक हीट ट्रांसफर होगा दोस्तों, जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो कोई हीट ट्रांसफर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो लेट सपोज अभी टी वन था, पहले टी टू था, तो दोनों के बीच में टी वन ज्यादा है टी टू से, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो इसमें क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है।
तो इसका T1 का टेम्परेचर दोस्तों कम होता जा रहा है, T2 वाले इस पानी का टेम्परेचर ज्यादा होता जा रहा है। लेट सपोज दोनों का फाइनल टेम्परेचर हो गया TF, इसका भी जो अंतिम तापमान है TF हो गया, इसका भी अंतिम तापमान TF हो गया। अब दोनों का टेम्परेचर TF है, दोनों का टेम्परेचर मान लीजिए TF है, लेट सपोज TF है, तो बराबर बराबर आपको हीट ट्रांसफर हो सकता है क्या दोस्तों? आपको इस दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर हो सकता है क्या भाई? दोनों के बीच में कोई हीट ट्रांसफर हो सकता है क्या? कोई ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तापमान में अंतर ही नहीं है। तो दोस्तों मैंने यही चीज बोली, एग्जाम में आपको यही आएगा कि फाइनल टेम्परेचर बताओ, तो कैसे बताना है दोस्तों कि इसने जितनी हीट लॉस करी और इतने जितनी हीट गेन करी वो बराबर कर लो, ठीक है, बराबर कर लो, कुछ दूसरी चीज नहीं करनी। तो बात करते हैं हीट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू होता है ms डेल्टा टी, ठीक है। बात करते हैं इसका टेम्परेचर क्या हो गया, पहले T2 था, पहले इसका T2 था, T2 से हो गया TF, T2 से कितना हो गया दोस्तों TF हो गया, तो कितनी हीट इसने गेन करी, तो करते हैं क्यू इक्वल्स टू ms डेल्टा टी होता है, तो इस वाले पानी के लिए बात कर रहा हूं, तो m2 स्पेसिफिक हीट कितनी दे रखी है, एस दे रखी है, टेम्परेचर में चेंज कितना आया, पहले T2 था, अब कितना हो गया TF, चेंज कितना हो गया TF माइनस T2, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल है, आगे चलते हैं। बात करते हैं जो गर्म पानी है, इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें हीट लॉस करा, तो वो हीट लॉस ही तो इसमें गया था, तो इसने कितना हीट लॉस करा, इसमें से कितना हीट का ट्रांसफर हुआ, तो M1 S, हम लोग ऑप्शन आता है कि TF माइनस T1 करूं या T1 माइनस TF करूं। देखो आपको पता है दोस्तों कि T1 टेम्परेचर ज्यादा था पहले, T2 टेम्परेचर कम था, इसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली कम होता गया, इसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता गया। लेट सपोज जो फाइनल टेम्परेचर आया दोस्तों, क्या मैं इसके बारे में ये बोल सकता हूं कि जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो T1 से तो कम होगा, T1 से तो कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि गर्म पानी ठंडा होता जा रहा है, इससे ज्यादा इसमें और हीट थोड़ी दे रहा है, इससे तो हीट निकलती जा रही है, उसमें निकलती जा रही है, तो जो भी टेम्परेचर आएगा वो T1 से कम होगा और T2 से ज्यादा होगा। इतनी तो बात आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों कि जो भी टेम्परेचर मिलेगा फाइनल मिक्सचर का जो टेम्परेचर आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे रिपीट मत करो, कोई बात नहीं, किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है कोई बात नहीं, एक बार समझ लेते हैं, बस यही है इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं है। और तो M1S दोस्तों बात है TF माइनस T1 लिखे या T1 माइनस TF, मैं सिर्फ अमाउंट ले रहा हूं कि कितनी हीट उसने लॉस करी। अगर आप TF माइनस T1 ले लोगे, TF क्या है, कम है, फॉर एग्जांपल TF कितना है 20 है मान लो, T1 मान लो 40 है, तो 20 में से 40 कितना हो जाएगा माइनस 20, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो हीट निकल रही है, तो मेरे को माइनस प्लस से मतलब नहीं है, मैं बोल रहा हूं कितनी निकल रही है, तो दोस्तों कितनी निकल रही है T1 माइनस TF, ये प्लस आ जाएगा आपका, बस इतनी सी बात है बताओ, ठीक है, इतनी सी बात है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई बस, आई थिंक अब क्लियर होगा। अगर किन्हीं को अभी भी दिक्कत है तो एक बार वीडियो का वापस देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ पानी है तो पानी पानी कैंसिल हो जाएगा, और यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो TF की वैल्यू पूछेगा, फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा दोस्तों, M2 TF, इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, M2 मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं फिर बोल रहा हूं फॉर्मूला आपको नहीं लिखना है, M1 T1 माइनस M1 TF, तो यहां से जो फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू आएगी, फाइनल टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी M1 T1 प्लस M2 T2 अपॉन M1 प्लस M2। मैं फिर बोल रहा हूं फॉर्मूला रटो मत, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा ये, है ना, दो तीन क्वेश्चन करवाऊंगा, इजीली बन जाएगा, फॉर्मूला रटना मत, एक इक्वेशन बनानी, इक्वेशन बनाओगे कभी गलती नहीं होगी, है ना, बस इक्वेशन बनानी है, क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, लेकिन मुझे कोई बताइए ध्यान से मुझे क्या बताइए कि अभी हम लोगों ने जो इक्वेशन लिखी कि भाई M1S T1 माइनस TF इज इक्वल्स टू M2S TF माइनस T2, ये इक्वेशन लिखी, कोई बात नहीं, मैं पूछ रहा हूं इसमें ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं, ध्यान रखने योग्य बातें जल्दी से बताइए, क्या गलती हो सकती है, बस सर अगर इन दो या तीन बातों को हम लोग ध्यान रख ले तो कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी, बताओ। क्वेश्चन करवाऊंगा, परेशान मत होना, क्वेश्चन से और क्लियर होगा, क्वेश्चन में सेम चीजें मैं बताऊंगा, ध्यान रखने योग्य बातें, जल्दी से बताओ मुझे, जो जवाब देगा तभी पता पड़ेगा क्या होगा, मुझे बताओ ध्यान रखने योग्य बातें, क्या क्या चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है, जल्दी से बताओ क्या क्या चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है, जल्दी से बताइए क्या क्या चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए ये चीजें ध्यान रखनी है,
टेम्परेचर इन केल्विन। दोस्तों पहली बात तो ये है कि टेम्परेचर का डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस चाहे सेंटीग्रेड में लो चाहे केल्विन में लो, यही चीज़ मैंने कल आपको बताई थी, है ना? बताई थी नहीं बताई थी, जल्दी बताओ। मज़ा नहीं आ रहा यार। टेम्परेचर का क्या रखोगे भाई? टेम्परेचर का डिफरेंस चाहे सेंटीग्रेड में लो चाहे केल्विन में लो। दोस्तों हाँ, पहली चीज़ तो ये दोस्तों कि अगर दोनों मटेरियल डिफरेंट है, पानी पानी जरूरत थोड़ी है, कुछ भी दे दे, पानी दूध दे दे, पानी तेल दे दे, पानी स्टील की कोई रॉड डाल दे, तो दोस्तों एस और एस हमेशा कटेगा नहीं। एस और एस क्या होता है दोस्तों, मान लो अलग अलग दे रखा है, तो ये एस वन मान लो, इसकी एस टू मान लो, ठीक है? अगर दोनों मान लो पानी पानी है तो एस वन एस टू कट जाएगा, दूध दूध दे रखा है तो ये दोनों कट जाएंगे, एक मान लो पानी और दूध दे रखा है, तो दोस्तों ये दोनों अलग अलग होंगे, इसको काट मत देना, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है दोस्त, कि यहाँ पर जो यूनिट रख रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पर जो यूनिट रख रहे हो वही यूनिट यहाँ पर रखना। फॉर एग्जाम्पल दोस्त, यहाँ पर आप M1 ले रहे हो किलोग्राम में, तो इधर भी किलोग्राम में लेना। यदि आप इधर ग्राम में ले रहे हो तो इधर भी ग्राम में लेना। क्लियर? पहली चीज़ तो ये कि यूनिट का ध्यान रखना है, जो यूनिट आप इधर ले रहे हो वही यूनिट आपको इधर लेनी है, पहली चीज़ तो ये। यूनिट मात्रक का ध्यान रखें, पहली चीज़ तो क्या है, मात्रक का ध्यान रखें। दूसरी चीज पदार्थ का ध्यान रखें, पदार्थ भाई दोनों से पदार्थ का ध्यान रखें, पदार्थ का ध्यान रखें, ठीक है? तीसरी चीज को बताइए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, दो क्वेश्चन में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, केवल और केवल दो क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत इजी करवाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक क्वेश्चन हार्ड, एक क्वेश्चन सिंपल, ठीक है? स्पेसिफिक हीट आपको दे रखी होगी दोस्तों, स्पेसिफिक हीट आपको दे रखी होगी, ध्यान रखना। स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है, लिख लो, वाटर के लिए तो आप याद ही रख सकते हो, वाटर की होती है स्पेसिफिक हीट, जो वाटर की होती है वो होती है 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। वैसे आपको दी होती है लेकिन आप ये चीज बस ये याद रख लो, वाटर की तो आपको याद ही रहनी चाहिए, है ना? क्वेश्चन करवाता हूँ, दो क्वेश्चन हमको करना है, टाइम कम है, 13 मिनट है, दो क्वेश्चन हम लोगों को करना है, दो क्वेश्चन के साथ ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, और कल की क्लास में जो बाकी के टॉपिक है वो मैं आपको करवा दूंगा। जल्दी से देखें स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आराम से करना स्टार्ट करिए, कोई जल्दबाजी नहीं। फॉर्मूला मत रटना, इक्वेशन बना के सॉल्व करना, फॉर्मूला मत रटना, इक्वेशन बना के सॉल्व करना। जब तो बना लोगे, फॉर्मूला रटोगे कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। दो तीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे अपने आप इक्वेशन बनाना। भाई 4.2 लिख लो, 4.18 लिख लो, बात बराबर ही है, ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है। इधर देखो आप, आंसर देना स्टार्ट करो, ऑप्शन नहीं दिए मैंने चला के। अरे सभी तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा, लेटेंट हीट, एक कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं आपका। फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड गलत आंसर है, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर यूज करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट का करो, मतलब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन करवाना उद्देश्य नहीं है मेरा, फिर बता दिया मैंने। कोई बोल रहा है 40, चलो बहुत बढ़िया, सिंपल सी चीज है दोस्त, आपको क्या बोला, इधर देखो, देखो आपको क्या दे रखा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 किलो पानी है, आपको क्या दे रखा है, ये मान लो ये पानी आपको दे रखा है, 2 किलो पानी दे रखा है, 2 किलो पानी दे रखा है, और इसका जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। क्लियर? कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको दे रखा है को 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाले, क्या होगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी दे रखा है, और इसका जो द्रव्यमान दे रखा है दोस्तों कितना दे रखा है, 500 ग्राम, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा दोस्तों, एक तरफ आपका ये पानी है, एक तरफ ये, दोनों को मिलाया तो जो मिक्सचर बनेगा उसका तापमान क्या होगा दोस्तों, वो आपसे पूछा है। इसको आप नाम दे दीजिए नंबर 1, इसको आप नाम दे दीजिए नंबर 2, तो यानी आपको M1 दे रखा है 2 kg, T1 दे रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड,
M2 आपको दे रखा है 500 ग्राम और आपको T2 दे रखा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। पहली बात क्या ध्यान रखनी है, 80 टेम्परेचर इसका कितना है, 80 है, इसका 30 है, तो 80 से 30 होगा। इससे मत देखना ये 2 किलो है, ये ज़्यादा है तो इससे ट्रांसफर होगा। हमेशा जो हीट का फ्लो होगा, जो ऊष्मा का प्रवाह क्या होगा, उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ, इसका 80 है, इसका 30 है, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी दोस्तों, होगी। कब तक होगी, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। तो लेट सपोज 80 का टेम्परेचर घट के हो गया TF और 30 का बढ़कर हो गया TF। क्यों? क्योंकि 80 का टेम्परेचर घटेगा क्योंकि इसमें से हीट लॉस हो रहा है और इसमें हीट आ रही है दोस्तों, क्योंकि उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ हीट आती है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कब तक बढ़ेगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं रह जाए, बस लगा दो। तो इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके द्वारा कितनी हीट मिली, M1 S1, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो TF माइनस TS इज इक्वल्स टू M2 S2, इसका कितना हीट इसने लॉस करी, 80 माइनस TF, बस ये फॉर्मूला लगाना था। अब आपको पता है दोनों पानी पानी है, S1 कैंसिल हो जाएगा S2 से। आपको पता है M1 कितना दे रखा है, 2 किलो, लो लिख दिया मैंने, 2 इंटू TF माइनस 30 इज इक्वल्स टू M2 कितना दे रखा है दोस्तों, 500 ग्राम। आपने इधर कितने में लिया है, किलोग्राम में लिया है, तो इधर भी किलोग्राम में लेंगे। 500 ग्राम को जब किलोग्राम में बदलोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, आधा किलोग्राम, तो 1/2, ठीक है, इंटू 80 माइनस TF। बस ये इक्वेशन सॉल्व कर लो, ये 2 × 2 = 4, TF माइनस 30 इज इक्वल्स टू 80 माइनस TF। इसको जब सॉल्व करोगे तो TF की आंसर आ जाएगा दोस्तों 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी जल्दी से बताइए। 70 डिग्री नहीं आएगा, 40 आएगा आंसर, 70 कैसे आ सकता है दोस्तों, सिंपल सी इक्वेशन है। एक क्वेश्चन और करूं, जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए, एक क्वेश्चन और करें, जल्दी से बताइए, एक क्वेश्चन और करें। अरे थम्स अप कर दीजिए, एक क्वेश्चन और करवाऊं, समझ में आ गया ये बताओ। बिल्कुल सिंपल चीज है, एक ही चीज में समझा रहा हूं, कुछ भी नहीं समझा रहा, कि टेम्परेचर ज्यादा वाले जो टेम्परेचर है उसमें से ऊष्मा निकलेगी, कम वाले टेम्परेचर में आएगी, कम वाले टेम्परेचर पर जो चीज है उसमें आएगी, तो उसका तापमान क्या होगा दोस्तों, कम होता जाएगा और इसका तापमान बढ़ता जाएगा। बस यही करना है और बस ये लगाना है, इसने जो ऊष्मा निकाली वो इसके पास आ गई, दूसरी कोई चीज ही नहीं बता रहा मैं। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्लियर, चले आगे, चले जल्दी से बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर ये क्वेश्चन जिन्होंने कर लिया उनके लिए फिर कुछ भी नहीं है। देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आराम से देखो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, एक इक्वेशन बनाना आप तो बस। देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट दिया है, बार बार पानी नहीं मिला रहा मैं, एक बार इसकी स्क्रीन मिला दी, एक बार इसकी जो इक्वेशन बना दी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इक्वेशन बना दो आप तो इसके। आराम से करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आज जानता हूँ थोड़ी सी स्पीड आज हम लोगों ने कम रख पाए, क्योंकि चीज़ इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ा, जैसे कल हम लोगों ने काफ़ी कवर कर लिया था, क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, कई बार पहली बार पढ़ो तो कोई बात नहीं, सबको साथ लेके चलना है, आराम से होगा, कोई भी चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं कि भाई टाइम कम पड़ा तो चीज़ें छोड़ दी। दोस्तों ये आपका क्या है, एक तरह से मान लीजिए होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, आराम से एक बार ट्राई करना, कल आते ही पहली चीज ये सॉल्व कराऊंगा, एक बार इक्वेशन बना के ट्राई करना दोस्तों होमवर्क, और प्लीज एक बार कमेंट करके इसका जरूर बताना। आई प्रॉमिस कर, पहले सबसे पहले आते ही मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, है ना, और कल पूरा अपना हीट एंड टेम्परेचर कंप्लीट हो जाएगा, जो भी चीज है छोटे मोटे टॉपिक, बस यही चीज थी, जो मेन चीज थी वो यही थी, इसका होमवर्क में आपको जवाब देना है, कल पूरा हीट एंड टेम्परेचर कंप्लीट हो जाएगा, परसों से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों।
और आप जानते हैं जो बच्चे सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं वो प्लस कोर्सेज जो है ठीक है पार्ट ए के लिए वो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? वैसे यूट्यूब पे चल भी रही है और जो भी बेनिफिट है वो आपको बता दिए हैं सर ने, तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना प्लीज, अगर इसका कर दिया कभी जिंदगी में गलती नहीं आएगी, क्योंकि मैंने सब चीजें डिफरेंट कर दी, मैंने पानी पानी नहीं मिला दिया, पानी को स्टील में मिला दिया। अब आप देखोगे कैसे, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब कर पाएंगे दोस्तों। क्लियर? इसका होमवर्क है, कल आते ही हम इस पर डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखना आज 3 बजे फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे काइनामेटिक्स यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, जो मैंने चीज छोड़ी थी ना प्रक्षेप्य गति, एक क्लास में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कभी जिंदगी में गलती नहीं करोगे, है ना। एक क्लास में आज इतना कवर कर लेंगे, 3 बजे जरूर आना फिजिक्स की क्लास में दोस्तों। और ये होमवर्क है, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम की डेट चाहे पोस्टपोन्ड हो चाहे कैसे भी हो, हम लोग यही मान के चलेंगे कि हमारा जो टाइम है उसी में होगा। जो आपको अभी 24 दिसंबर बोल रहे हैं, हम तो 12 से 14 दिसंबर के आसपास मान के चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, सभी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, कुछ भी चीज़ें स्किप नहीं करेंगे। आंसर नहीं बताऊंगा मैं, यही तो बात है, आंसर मैं इसका नहीं बताऊंगा, आंसर कल बात करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं, ठीक है। तो होमवर्क में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं 3 बजे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, और हितेश सर की क्लास है रीजनिंग की, आप उसमें जरूर आइए। बाय।